हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब होप सो अच्छी होंगे एक्चुअली uh, ये जो वीडियो बनी है ये एम्स के uh, प्रेफरेंस के हिसाब से बनी है कि एम्स में कौन से कॉलेजेस हैं और किस तरीके से स्टूडेंट्स को फिल करना है लास्ट uh, जो आप वीडियो जाके देखेंगे मेरी तो लास्ट जो है मैंने वीडियो पूरे एमपी के हिसाब से बनाई थी कि एम में कौन से कॉलेज क्या आपके क्या प्रेफरेंस दे कौन सा कॉलेज टॉप पर है कौन सा नीचे आ रहा है आपके स्कोरिंग के हिसाब से भी कट ऑफ के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये पीछे आप जाके देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ एंड देन अभी जो है ये जो बनी है वीडियो जैसे आप देख पा रहे हैं टाइटल स्क्रीन पे कि एम्स के ऊपर है क्योंकि स्टूडेंट्स ने अभी भी मैं कमेंट्स करे सर हमारे स्कोरिंग स्कोर्स बहुत अच्छे आए मार्क्स में जनरल कैटेगरी के हिसाब से सिक्स एट्टी से अबो आए हैं तो हमें जो है आ, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए या फिर हम जो है जैसे भोपाल में हैं तो भोपाल के आसपास गांधी मेडिकल कॉलेज ले लें या एम्स भरें या दिल्ली जा सकते हैं तो कंफ्यूजन चलता है स्टूडेंट्स के, के घर वाले भी अलाउ नहीं करते कुछ स्टूडेंट्स को इतना दूर जाने के लिए लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपको एम्स मिल रहा है आपके स्कोर अच्छे हैं तो आप बिल्कुल एम्स लें वहाँ जो है आपको फैसिलि जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी मिलेंगी फैकल्टी वहाँ की बेस्ट हैं और आपको वहाँ जो है हर एक चीज़ जो है अगर आपने एम्स में ले लिया तो आप ये जो है कि आप बेस्ट जो है आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें आप बिल्कुल बेस्ट हो जाएंगे मेडिकल फील्ड में तो प्रेफर यही है कि आपको अगर मिल रहा है तो कोई स्टूडेंट्स कभी भी गलती नहीं करे एम्स मिल रहा है तो कहीं भी मिले आपको जो है एम्स लेना है आ, देन लिस्ट के हिसाब से आप देखे जाए देखा जाएगा तो आ, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर स्टेट्स के अंदर जो है हर एम्स खोल के रखा जैसे आप लिस्ट देख पा रहे हैं कि आपको दहली में मध्य प्रदेश में भोपाल में जैसे उड़ीसा में राजस्थान में बिहार में छत्तीसगढ़ यूपी में महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश इवन आंध्र प्रदेश आपको बिहार में हर जगह जो है एम्स खुला हुआ जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे होंगे पहले जो था कि जो जैसे नाइनटीन फिफ्टी में जो है एक ही कॉलेज इस्टबलिश हुआ था जब से 1956 से लेकर 2012 तक कोई भी एम्स नहीं था आप दहली देख पा रहे हैं कि एम्स दिल्ली था और मुश्किल से उसमें सीट्स जो थी तो कम बहुत ही कम सीट्स रहती थी लेकिन 2012 के बाद जैसे 2012 में अपन इंटर हुए थे उस टाइम पे जो है सेवन न्यूज़ जो एम खुले थे मध्य प्रदेश में उड़ीसा में राजस्थान में बिहार में एंड छत्तीसगढ़ में उसके बाद 2018 में फिर दो एम खुले एन महाराष्ट्र के नागपुर में खुला था एंड देन आंध्र प्रदेश में खुला था फिर 2019 में आप देख पा रहे हैं गोरखपुर में यूपी में खुला है दैन उसके बाद फिर 2019 में जो है त्रिलंगाना में भी खुला उसके बाद आप देख पा रहे हैं दो में वेस्ट बंगाल में खोड़ा खुला था एंड एंड जो है ये त्रिलंगाना में फिर एक और खुला है जो एम्स त्रिलंगाना के नाम से है uh, देन 2020 में अभी जो पिछले साल ही जो है चार खुले हैं uh, जैसे आप देख पा रहे हैं गुजरात में जम्मू कश्मीर में खुला है हिमाचल uh, प्रदेश में खुला है असम में खुला है तो ये जो है लास्ट में जब जो खुले हैं वो uh, अभी ओपन है या उसमें एडमिशंस हैं इसका कंफर्म अभी है मतलब है तो लेकिन फंक्शनल जो है है या नहीं अभी इसका जो है पार्शियली फंक्शन है एक्चुअली ये जो है अभी पार्शियली फंक्शन है जो है ट्वेंटी ट्वेंटी के जैसे आप देख पाएंगे तो ओवरऑल तो जो है एम जो है ट्वेंटी जो है कॉलेजेस मैंने आपको बता दिया एम्स के तो आप जो है अगर आपके स्कोरिंग अच्छा है तो बिल्कुल सबसे पहले जो आपको प्रेफरेंस करना है वो एम्स ही करना है मैं स्टूडेंट्स से जो भी सुन रहा है वीडियो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो है सबसे पहले आप फोकस करें एम्स में इसलिए मैंने ये ट्वेंटी लिस्ट बनाई है ये कहीं भी अगर आसम में भी आपको मिल रहा है या गुजरात में मिल रहा है या इवन आपको जम्मू कश्मीर में मिल रहा है लेकिन वो एम से तो उसकी वैल्यू है दैन उसके बाद फिर आप जो है ऑल इंडिया रैंकिंग में जो आपको कॉलेज रहे हैं उसमें आए फिर आप जो है एम जैसे आप स्टेट में जैसे एम पी से हैं यू पी से हैं तो उसमें जो है प्रेफरेंस जो है वीडियोज़ बन चुकी हैं आप वो जाके देखें इसके बाद फिल करने के बाद चॉइस फिलिंग चॉइस फिलिंग की वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू सो मच